नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम गैस गीजर की दो महत्वपूर्ण फॉल्ट फाइंडिंग को करेंगे। इन फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में जो दोस्तों ने पूछा था वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। पहली फॉल्ट फाइंडिंग यह होगी कि अगर हम गैस गीजर को नीचे उतार कर उसे उल्टा करके देखते हैं तो वो काम करता है, यानी कि वो सभी सारे फंक्शन पूरे करता है। लेकिन जब हम उसे दीवार पर लगाते हैं तो वो एक बार चलने के बाद जब हम उसे दोबारा चालू करते हैं तो वो नहीं चलता, यानी कि वो सिर्फ एक ही बार गैस गीजर चलता है, दोबारा से वो लाइटर तक उसके ऑन नहीं होते। और एक दूसरी फॉल्ट फाइंडिंग जो दूसरे दोस्त ने पूछा था, उसका कहना था कि जब मैं गैस गीजर के इनलेट वाली पाइप ठंडे पानी वाली पाइप से हवा को रिलीज़ करता हूँ तो मेरा गैस गीजर चलता है, नहीं तो वो एक बार चलने के बाद बंद हो जाता है। ये दोनों फॉल्ट फाइंडिंग हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, हमने सभी कंपोनेंट चेक कर लिए जो बिल्कुल सही है। जब उस दोस्त ने पूछा कि जब मैं ठंडे पानी वाली पाइप से हल्की सी हवा रिलीज़ करता हूँ, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, तो गैस गीजर ऑन करने पर ऑन हो जाता है, लेकिन जब मैं इसे दूसरी बार ऑन करता हूँ तो वो ऑन नहीं होता, इसका मैग्नेट ऊपर नहीं उठता। और जब तक मैं हवा नहीं निकालता ठंडे पानी वाली पाइप से तब तक वो ऑन नहीं होता, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, इसी बात को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये फॉल्ट काफ़ी रेयर आते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण फॉल्ट हो जाते हैं। इसके आने के बाद कस्टमर कई बार गैस गीजर बिल्कुल जो नया होता है उसे फेंक देते हैं क्योंकि उसकी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं हो पाती। अभी हम टैंक का जो इनलेट पाइप है कॉपर का, उसे खोल रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैग्नेट एक बार उठने के बाद दोबारा ऊपर क्यों नहीं उठता, इसलिए मैंने टैंक को अलग कर दिया है। मेरे को पता है कि वो क्यों नहीं उठता, लेकिन आपको बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अभी आप देखिए, मैंने सिर्फ इसके वाल्व से ही पानी को गुजारा तो इसका मैग्नेट ठीक प्रकार से काम कर रहा है। जब भी मैं इसे ऑन करता हूँ इसके लाइटर चलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि यहाँ तक हमारा असेंबली तक सब कुछ सिस्टम बिल्कुल ठीक है। लेकिन टैंक में जब पानी जाता है उसके बाद ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये समस्या पानी के प्रेशर कम होने की वजह से भी हो सकती है, लेकिन इसमें यह समस्या अभी नहीं है। पानी का प्रेशर बिल्कुल पूरा है, मैंने आपको शुरू में दिखाया था, आगे भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये टैंक के अंदरूनी हालात हैं। ये टैंक काफ़ी ख़राब हो चुका है लेकिन फिर भी कस्टमर ने कहा है कि मेरे को इसी से काम चलाना है, इसलिए हम इसे रिपेयर करने जा रहे हैं। उसके बाद वो करना क्या है कि टैंक को उतार लेना है, बिल्कुल गैस गीजर से अलग कर लेना है और उसके इनलेट वाली पाइप पर पानी की पाइप जोड़कर ठंडे पानी वाली, और आपको प्रेशर देना है। फिर आपको तुलना करनी है कि आपके बाथरूम में कितना प्रेशर आया हुआ है और जब हम टैंक के माध्यम से आउटपुट लेते हैं तो उसमें कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, या फिर वो समान मात्रा में ही इनलेट और आउटलेट दोनों से आ रहा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस बाथरूम में कितना तेज प्रेशर है, लेकिन जब हम इनलेट के द्वारा टैंक में सप्लाई देते हैं तो उसकी आउटलेट से पानी का प्रेशर इतनी मात्रा में नहीं आ रहा। आपको यहीं पर इस फॉल्ट फाइंडिंग को पकड़ना है, यानी कि आपके इस गैस गीजर के टैंक में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से आपका गैस गीजर का मैग्नेट एक बार तो ऊपर उठ जाता है लेकिन दोबारा फिर वो ऊपर नहीं उठता कितनी ही कोशिशों करने के बाद भी। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जब हम इनलेट से काफ़ी तेज़ प्रेशर हमारे गैस गीजर में देते हैं तो उसकी जो फोर्स होती है शुरू वाली, तो उससे मैग्नेट एक बार ऊपर उठ जाता है और आपका गैस गीजर चल जाता है, लेकिन उसके बाद टैंक में प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, यानी कि एक हाइड्रोलिक आप इसे लोक बोल सकते हैं, यानी कि पीछे से काफ़ी प्रेशर तेज़ है लेकिन आगे से वो इतनी मात्रा में नहीं निकल पा रहा, तो उससे मैग्नेट टैप बंद करने के बाद दोबारा नीचे नहीं आता, यही एक हाइड्रोलिक लोक की स्थिति बन जाती है। इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि टैंक की सफाई करनी है इंटरनल। इसके कई तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसे हम रिवीजन कर रहे हैं। ये काम करते हुए आपको एक बात का ख्याल अवश्य रखना है, अगर आप परिपक्व हैं तो ये कार्य करें, नहीं तो एक अच्छे टेक्नीशियन से ये कार्य आप करवाएं। इसे हम डिस्कलिंग भी कहते हैं। क्या होता है कि हमारा जो पानी हम यूज़ करते हैं हमारे एरियाज में, उसमें काफ़ी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, काफ़ी मिनरल हो जाते हैं, कहीं लोहे की मात्रा हो जाती है, कहीं फास्फोरस की मात्रा हो जाती है, ऐसे कई मिनरल हमारे पानी में होते हैं, और जब पानी गर्म होता है तो वो मिनरल उस पाइपों में धीरे धीरे परत के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। आपको ये सभी कार्य कर लेने हैं जो भी आप देख रहे हैं। फिर आपको कम कैपेसिटी का एसिड लेना है, जिसे हम नमक वाला तेजाब भी बोलते हैं। आप एसी क्लीनर भी ले सकते हैं जो हम एसी वगैरह की सर्विसिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। आपको उसका चौथा हिस्सा ही डालना है। अगर आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा टैंक ब्लॉक है तो आप उसका थोड़ा फालतू हिस्सा भी ले सकते हैं हमारे नमक वाले तेजाब का। और फिर आपको एक कूलर वाले पंप को उस बाल्टी में रखना है, बाल्टी आपको प्लास्टिक की लेनी है। ध्यान रखिएगा, आपके जो सभी जोड़ हैं पाइपों के वो मजबूत होने चाहिए और किसी लोहे की तार से या फिर एक अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए, नहीं तो आप
टेक्नीशियन से ये कार्य करवाएं तो बेहतर रहेगा। जैसे ही हमने पंप को चलाया तो आप देखिए शुरू में पानी आया था लेकिन उसके बाद हल्की हल्की झाग आ रही है, यानी कि प्रेशर जब तेज था तो एक बार आ जाता है लेकिन उसके बाद रुकावट शुरू हो जाती है। और अब ये प्रोसेस हमें लगभग 20 से लेकर 30 मिनट तक करना है। ये इसलिए करना होता है दोस्तों, जैसे जैसे अशुद्धियाँ धीरे धीरे जमती है वैसे ही धीरे धीरे हमें काटनी होती है। अगर आप इसमें एकदम से प्योर एसिड डाल देंगे तो आपका जो एसिड है वो एकदम से आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी रुकावट हमारी पाइप में हो जाती है और उसे वो जो पीछे की तरफ वाला भाग होता है उसे वो ख़राब कर देगा, पाइप में लीकेज उत्पन्न कर देगा। ये प्रोसेस लगभग आपको 20 से लेकर 30 मिनट तक करना है। आपको ध्यान रखना है, आपको इस प्रोसेस के दौरान आँखों पर चश्मा से लगा लीजिए और इसके ऊपर आपको झुकना नहीं है, क्योंकि प्रेशर जब हम पंप के द्वारा हमारे इस चैम्बर से गुजारते हैं तो ब्लॉकेज होने की वजह से कई बार पाइपें फट सकती हैं या फिर वो निकल सकती हैं, इसलिए उन्हें मजबूती से बांध लीजिएगा किसी भी तरीके के द्वारा, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे ये पूरा टैंक खुल जाता है। अगर टैंक पूरी तरह से जाम है तो उसके लिए एक अन्य वीडियो है, वो आपको देखना होगा, उसमें मैंने आपको अलग से सारा मैकेनिज्म बताया हुआ है। अब हमने टैंक को अंदर से साफ कर लिया है, फिर हमने इसे दोबारा से लगा दिया है और अभी आप देख पाएंगे कि इसका प्रेशर बढ़ गया है। और इसमें जो समस्या थी कि एक बार ऑन करने के बाद बंद नहीं हो रहा था, तो हमने उसे भी दूर कर दिया है। अब हम इसे कितनी ही बार टैप खोलते हैं तो ये हर बार चल जाता है, यही समस्या होती है दोस्तों। ऐसी समस्या दो तरीकों से आती है, या तो आपका टैंक जाम है या फिर आपका आउटपुट से आगे वाला पाइप जो हमारे बाथरूम में लगा होता है वो जाम है। उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसलिए जहाँ भी ये समस्या हो, अगर आपको ठंडे पानी वाली पाइप को खोलकर हर बार उसमें से हवा निकालनी पड़ती है तो भी ये समस्या हो सकती है, और अगर आपका गैस गीजर एक बार चल जाता है दोबारा नहीं चलता तो भी ये समस्या हो जाती है। अब आप अच्छी प्रकार से देख पाएंगे कि ये गीज़र बिल्कुल ठीक प्रकार से काम कर रहा है। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं आपको इस फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में विस्तार से बता पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं अगर उन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपके गैस गीज़र का पानी वाला वाल्व जो अभी आप देख पा रहे हैं लीक हो रहा है, तो इस विषय पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बना कर दूंगा, आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ये आसानी से ठीक हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना मत भूलिएगा।